नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं मैटनी शो का भारत टॉकी सेगमेंट। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, नील माधव पंडा जी, जिनकी फिल्म आई एम कलाम, जलपरी, कड़वी हवा, जिन्होंने क्रिटिकली अक्लेम फिल्म से जिन्होंने कई इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स जीते हैं। हाल ही में आई उनकी उड़िया फिल्म, पहली उड़िया फिल्म कालरा तिता, जो ऑस्कर्स में भी भेजी गई है। बहुत बहुत स्वागत है नील जी आपका दी लल्लन टॉप में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। कालरा तिता जो आपकी पहली उड़िया फिल्म भी है, वो क्लाइमेट चेंज जैसे जरूरी मुद्दे पर बात करती है। इससे पहले भी कड़वी हवा और कौन कितने पानी में इसी इसी थीम के अराउंड रिवॉल्व करती रही हैं। तो क्या मेन फर्क जो है, क्या अलग है कालरा तिता में जो हमने पहले नहीं देखा? दर्शक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फिल्म से? देखिए, मेरी कौन कितने पानी में थी कि जो हम कहते हैं कि नेक्स्ट वॉर विल नॉट बी अबाउट ऑयल और एनीथिंग बट ऑन वाटर, वो पानी के वॉर के खिलाफ था, जो सच्चाई दिख रही है आप लोगों को। सेकंड फिल्म थी मेरे क्लाइमेट और एनवायरमेंट को लेके, हो कड़वी हवा। अगर कड़वी हवा में एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, हम कहते हैं कि इस बार बहुत ठंड पड़ी है, इस बार बहुत गर्मी हुई है, तो क्लाइमेट चेंज मतलब क्या? वेदर देखिए, हर 4 महीने में हमारी वेदर बदलती है, विंटर, रेन, धूप, समर सब आती है, बट उसकी जो एक्सट्रीम, आप जैसे टेम्परेचर राइज होने के कारण, जबकि पहले आप बिलीव नहीं करते थे कि हिमालय में भी टेम्परेचर राइज होगा, आज जो उत्तराखंड में हुआ वो बिकॉज ऑफ दैट हाफ डिग्री टेम्परेचर राइज, जिसकी इम्पैक्ट अभी हमको दिखाई दिया। काली रहती तो जो कहती है कि हमको क्या लगता है, जो जनरली जो बातचीत होती है कि क्लाइमेट चेंज हो रही है लेकिन इतना इफेक्ट नहीं कर रहा है हमको। कालरा तिता एक ऐसे मुद्दे के ऊपर सिनेमा है जो कभी कहीं पे दिखाया नहीं गया है, बातें नहीं होती है। मैं 2006 में एक सदभाया बोल के इलाका है हमारे उड़ीसा में, केंद्रापड़ा जिला में, जहां पे मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शुरू की थी कि क्लाइमेट फर्स्ट अर्फन बोल के, और उसमें मैं जब वहीं पे पहुंचा था उस समय पे कि 3 गांव बचे थे और 3 गांव के अलावा 4 गांव समंदर के अंदर थे। आप वो विजुअल देखेंगे, आप स्टनिंग हो जाएंगे कि आपको दिखेगा कि हैंडपंप समंदर के अंदर है, गांव कुछ आधा टूटा समंदर के अंदर है, ऐसे विजुअल आपको कहाँ मिलेंगे? जैसे शायद हमने ट्रेलर में भी देखा कि वो एक जो एक विजुअल आता है स्टार्टिंग में। जी, मेरे को कई लोग पूछे कि ये हैंडपंप आपने समंदर में लगाया था क्या? अब कहानी ये है कि वो हैंडपंप, जिस हैंडपंप आप इस सिनेमा में देखते हैं, उसी हैंडपंप से हमने 2006 में पानी पिया था गांव के बीच में। जी, तो ये है जो आपको कभी सिनेमा में कभी विजुअली नहीं दिखा होगा। काली रहती तो कहती है, ये बात हम बात करते हैं कि फ्यूचर ऑफ क्लाइमेट चेंज, नो, इट्स हैपनिंग नाउ, इट्स हियर। जब दुनिया भर के साइंटिस्ट अभी बात करने लगे हैं कि मुंबई, बैंकॉक, हांगकॉन्ग जैसे सिटी पानी के अंदर जा सकती है अगले कुछ डिकेड्स में, तो इसकी जो भयानक इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, उसी के ऊपर ये सिनेमा है। और मैं ये कहने का मतलब ये है कि ये फिल्म बनाने का मतलब कि मैं ये डरा नहीं रहा हूं, बट लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोगों को ये जानना जरूरी है, ताकि अब जो भी अब देखिए, जब कोविड हुआ, लॉकडाउन हो गई, तो सडनली बोले कि दिल्ली की हवा बढ़िया हो गया है, बम्बई में बर्ड्स घूम रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, वेनिस में पानी में मछली आ गए हैं, तो आपको खुद को दिखा कि हम अगर सही ह्यूमन, देखिए डेवलपमेंट जारी रहेगा, डेवलपमेंट को आप रोक नहीं सकते, पॉपुलेशन बढ़ते रहेगा, लेकिन रिसोर्सेस लिमिटेड है। हमको एक पर्यावरण को सेंसिबली ख्याल रख के दुनिया को चलाना है, दुनिया में जीना है। और कालरा तिता में वो बात कह रहा है कि It's climate emergency today. It's not climate change. इसके जो ऑस्कर ऑस्कर की जो कहानी है, ऑस्कर कनेक्शन है, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। देखिए, for me, फिल्म ऑस्कर हो ना हो, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैं ये फिल्म को बोलता हूँ कि ये आपका ड्यूटी है ये सिनेमा देखना, क्योंकि ह्यूमन बींग के लिए ऐसी सिनेमा बहुत जरूरी है, लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए। जहां तक ऑस्कर की बात है, हर साल एक देश से एक फॉरेन कैटेगरी नॉमिनेशन में फिल्म जाती है, जो जलीकट्टू गई,
और दूसरा होता है कि जब वहां नहीं जाती, हम कोशिश करते हैं जनरल कैटेगरी, अगर फिल्म में मुद्दा बढ़िया है, फिल्म बढ़िया बना है, तो हम कोशिश करते हैं जनरल कैटेगरी में उसको डालने के लिए। तो हम जनरल कैटेगरी में इस साल काफी तकलीफ थी, बिकॉज जनरल कैटेगरी में डालने के लिए आपको न्यूयॉर्क और एलए शहर में आपको फिल्म रिलीज करना होता है, एडवर्टाइजिंग करना होता है, तो इस साल काफी तकलीफ थी। जबकि ऑनलाइन उनका काफी फ्लेक्सिबिलिटी था रूल, तो हमने उसको जनरल कैटेगरी एंट्री में डाला। आज सुबह उसकी लिस्टिंग भी आ गई है, फाइनल कंटेनर 366 ऑफ सम फिल्म्स वर्ल्ड वाइड कंटेनिंग। इस समय पे क्या होती है, फिल्मेकर्स अपने फिल्म को प्रचार प्रसार करते हैं, ताकि जो 500 से ऊपर जूरी मेंबर वर्ल्ड वाइड हैं, तो उनकी वोटिंग के लिए, उनकी यू नो बेसिकली आइबल्स को अट्रैक्ट करने के लिए हम उस फिल्म की प्रमोशन करते हैं। ऐसे ही फिल्म की प्रमोशन होती है। हम सिंपल सी बात है, जनरल कैटेगरी में एंट्री पे गई है, इस पे कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये बात है कि मैं एक उड़िया फिल्म को एक यहां तक इस लेवल पे लेके उसको प्रमोट करना चाहता हूं, ताकि लोग उस सिनेमा को देखें, क्योंकि हमें लगता है हम अच्छी सिनेमा बनाए हैं। आप ट्रेलर देखिए, आपको कैसा लगता है, आगे फिल्म कैसा लगेगा वो जनता के ऊपर है। नील जी, इसके शूटिंग एक्सपीरियंस के बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े काले रातेता का, जो पूरा शूटिंग एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, ये फिल्म ऐसे ही, जैसे गोरिल्ला फिल्म कहते हैं, एक अजीब सी स्थिति में हमने शूट किया। जैसे मैंने गांव की कहानी कहा कि इसके लिए दो गांव, दो नदी हमको क्रॉस करना पड़ा। लास्ट जो छोटी सी नदी थी, तो वहां पे इट्स अ क्रोकोडाइल इन्फेस्टेड रिवर, तो वहां पे आप वो डंडा भी नहीं डाल सकते, तो छोटा सा नदी ऊपर ऐसे रस्सी लगा के वो नाव इस पार से उस पार जाती है, और 6 बजे के बाद वो आदमी चला जाता है। वहां से 12 किलोमीटर हमको चल के जिस गांव में शूट करना है, बिकॉज पैसे तो इतना नहीं थे कि हम सेट क्रिएट करें, तो जो गांव ऑलरेडी डूबा हुआ है और कुछ घरे जो बची थी, हम वहीं पे इस फिल्म को पूरा शूट किए। हमने 60 खाट खरीद के, टेम्पररी खाट खरीदे, जनरेटर लिए, पानी चावल सब लेके हमने करीबन 50-60 लोग पूरा शूट पे 30-40 दिन तक वहीं पे, मतलब आप शुक्र मनाइए कि बाय गॉड्स ग्रेस किसी को कुछ हुआ नहीं। अगर ऐसे डेंजरस जगह पे कुछ होती भी है, तो रात को कहीं जाने के लिए नहीं है, आपको हेलीकॉप्टर भी पिकअप नहीं कर सकता वहां से। आप सोशल इश्यूज पर फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं, कितना मुश्किल या कितना आसान होता है आपके लिए एंटरटेनमेंट के साथ साथ बिना प्रीची हुए अपनी बात कह पाना स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, जैसा आप अपनी तमाम फिल्मों में करते हैं? देखिए, कोई भी सिनेमा बनाना आसान नहीं है सिनेमा, क्योंकि आप जैसे आपकी सपोज ऑडियंस है 100 करोड़ जनता को, आप एक कहानी बोलना चाहते हो, इतना आसान नहीं है एक कहानी बोलना। सोशल इश्यू की जहां तक बात है, इसमें यह है कि एक बैलेंस आउट करना। आप अगर देखेंगे मेरी फिल्म आई एम कलाम या कड़वी हवा, इतने बड़े मुद्दा, डार्क मुद्दा की बात, किसी को भी आज की डेट पे अच्छा नहीं लगता कि इतने काला कहानी, डिप्रेसिंग कहानी देखने को। तो उसमें क्या होती है, आपकी स्क्रीन प्ले और डायलॉग में एंटरटेनमेंट लाना होता है, तो स्क्रीन प्ले डायलॉग एंटरटेनमेंट लाना थोड़ा सा काफी तकलीफ होती है उसको लेके, इसलिए काफी समय तक हम स्क्रिप्ट में काम करते हैं और उसके ऊपर शूट। जैसे काली रातेता तो वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, बिकॉज मैंने 12-13 साल एक डॉक्यूमेंट्री शूट किया, फिर इसको फीचर फिल्म बनाना चाहा, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता। हमने करीबन कई महीने तक इसकी स्क्रिप्ट लिखने के लिए कोशिश की, स्क्रिप्ट हुई नहीं। तो अल्टीमेटली राइटर और मैं, नितिन दीक्षित था राइटर, राइटर और मैं, हम जाके लोकेशन में कैरेक्टर के साथ शूट करते करते स्क्रिप्ट बनी। अगला मेरा सवाल था कि आपकी फिल्मों में हमने देखा है जो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैं, 5 एलिमेंट्स, उनको वो बड़ी सरलता से बहुत लाउड प्रेजेंस दे जाते हैं। क्या आपका कोई सीक्रेट फॉर्मूला है ऐसा, या कैसे कर पाते हैं कि इतना वो इस तरह से अपनी लाउड प्रेजेंस दर्ज करा जाते हैं, 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ नेचर? एक समय था मेरे जब नया नया दिल्ली पहुंचा था 95-96 में, तो मुझे लगा कि देश शहर कितना आगे बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी ट्रैवलिंग कितना बढ़ चुका है, और मुझे लगा कि हम गरीब के गरीब रहे, हम कुछ नहीं देख पाए। आज उसकी फायदा बता रहा हूं, आई वॉज ब्लेस्ड कि मैं गांव में पला बढ़ा, 15 साल तक डीजल या पेट्रोल की खुशबू तक मेरे गांव नहीं आया था। तो जो 5 एलिमेंट की बात कह रहे हैं, उधर जंगल, पहाड़, खेत,
खेत खलियान पानी नदी के किनारे मैं ग्रो किया हूं, तो हूँ बचपन की 15 साल देखा हूं, बिना किसी दुनिया की आउटसाइडर के ऊपर डिमांड करे हम अपनी जिंदगी बहुत ही बेहतरीन जिंदगी जी रहे थे। वहां से जब मैं ट्रैवलिंग शुरू किया, छोटी शहर आया, सोनपुर में पढ़ा, फिर दिल्ली आया, फिर दुनिया भर 40-50 कंट्री घूमा, देखा दुनिया धीरे 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 एक डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में आ रही है। आज दिल्ली में मैं रहता हूँ तो मेरे पूरे घर मतलब हर कमरे में वो एयर फिल्टर लगा हुआ है। पानी खरीद के पीते हो, हवा खरीद के खाते हो, खरीद के लेते हो, तो कुल मिला के हम ऐसा कर दिया है पूरी मशीन की दुनिया जी रहे हैं। तो मुझे लगा कि जो एलिमेंट्स है, जो एक इकोसिस्टम है, ग्लोबल इकोसिस्टम है, अर्थ की जो इकोसिस्टम है, उसको कहीं ना कहीं हमने हिला दिया है। तो जिसके वजह से मुझे क्या लगता है, दो चीजें मैं हमेशा देखता हूं कि एक अपनी इनोसेंस, आप देखेंगे तो एक एक मेरी हर फिल्म में, हर कैरेक्टर में एक इनोसेंस नजर आएगा। वो इनोसेंस इसलिए कि वो बचपन आपके अंदर है ना, तब तक आप जीवित हैं एज ह्यूमन। जिस दिन वो प्रेजुडिस्ड हो जाएगा, देन यू बिकम अ क्रूएल पर्सन। इनोसेंस आपके अंदर बहुत जरूरी है, और इनोसेंस के साथ आपकी 5 एलिमेंट जुड़ा रहता है, अर्थ वाटर फायर, ये सब की जब दर्जा देंगे ना, तभी आप मानव का अच्छे मानव कहला जाएंगे। तो वो चीजें मेरे सिनेमा में आती है ताकि लोगों को कॉन्शियसनेस जगा रहे। आप देखिए, कड़वी हवा में हवा की बात कही, पानी की बात कही, तो वो क्या बोलता है कि तुम यहाँ एक बूंद नहीं है, तुम्हारे वहां पानी ही पानी। लुक एट द एक्सट्रीम कंडीशंस, यू नो। सो हम वहां पे जी रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसकी बातें करना, लोगों की सोल में ये बताना कि भैया कितना भी मशीन बना लो, आज देखिए हम मशीन बना लिए, सब बना लिए, इतने साइंस टेक्नोलॉजी होने के बाद 1 साल कमरे के अंदर विंडो से स्काई को देख रहे थे ना, जी एक बीमारी आके आप सबको बता दिया कि भैया तुम बड़े नहीं हो। द अर्थ, द बैलेंस सिस्टम, द इको सिस्टम इज मच बिगर, यू नो, यू आर नॉट दैट पावरफुल बाय डेवलपिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जी नील जी, आप अभी तक हिंदी फिल्में बनाते रहे हैं, अब उड़िया सिनेमा का रुख किया, तो वो कैसे हुआ, क्या रीजन रहा उसके पीछे? देखिए, मैं कोई भी सिनेमा में, मैं लैंग्वेज, हीरो हीरोइन, बड़े पैसा, मैं कुछ नहीं देखता। सिनेमा जब बनाना शुरू करता हूँ, जो डिमांड में होता है, जो राइट होना चाहिए, वही करता हूँ। इस सिनेमा में एज सच इट्स लाइक अ साइलेंट फिल्म। इसमें डिमांड था कि मैं इसको वो मिट्टी, उसी मिट्टी की बातें कहूँ, तो जिसके वजह से उसी मिट्टी की बातें, जो वहां की भाषा थी, उसी मिट्टी की, उसी भाषा में ही काम किया। रीजनल सिनेमा, जो उड़िया सिनेमा है पर्टिकुलरली, वो उसका प्रेजेंट स्टेटस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले से कितनी ज्यादा इवॉल्व हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ओडिया सिनेमा भी काफी हद तक आगे थी जब कांस बर्लिन फिल्म में गई थी, बट थोड़ा सा हमारे सिनेमा बहुत कमर्शियल सिनेमा के प्रति ध्यान रहा काफी साल तक। तो सिनेमा की जो इवॉल्विंग प्रोसेस होनी चाहिए, वो थोड़ी सी लैक किया काफी साल तक, बट अभी न्यू जनरेशन काफी अच्छे अच्छे सिनेमा बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्म से लेके म्यूजिक से लेके बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। तो आई थिंक बिकॉज ओडिया सा जनरली, यू नो, प्रेजेंस एवरीवेयर इन टर्म्स ऑफ, आप टेक्निकल टीम देखेंगे तो बॉम्बे में हर फिल्म में आपको बढ़िया उड़िया टेक्नीशियंस मिलेंगे। हमारे सिनेमा अभी थोड़ी सी डेवलप कर रही है। आप कोई ऐसा उड़िया फिल्म मेकर जो आपको याद रह जाता है, जिसने आपकी फिल्म मेकिंग को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया हो? डेफिनेटली हमारी एक बहुत पुराने फिल्म मेकर वो नहीं रहे, और नीरद महापात्रा बोल के, जिनकी माया मेरी गति, जी एक मनमोहन महापात्रा थे जिनकी 8 या 9 फिल्में, इतने कमाल की फिल्में थी कि दुनिया भर घूमी है। देन एक हमारे सुशांत मिश्रा हैं जिन्होंने इंद्रधनुष छाई बनाया था, वो भी कांस गई थी। फिर अभी रिसेंटली एक हेलो आरसी बोल के एक फिल्म है जो नेशनल अवार्ड मिली थी, और बहुत कमाल की फिल्म थी। तो फिल्में हमारी ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग फिल्में बनी। और कोई जो जो उड़िया फिल्म है आप हमारे भारत टॉकीज के दर्शकों को रिकमेंड करना चाहेंगे जो वो देखे? काफी है मेरे हीरो हिमसेल्फ पितवास, पितवास देखिए हिंदी फिल्म में तो काम किया मिलियन डॉलर आर्म में वो एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर निभाया था, हॉलीवुड फिल्म कर चुके हैं अभी। और भी काफी सारे, अभी ये पार्क में भी आया है, मेट्रो पार्क में पितवास है। ऐसे कई सारे लोग हैं, सुभाष साहू हैं, साउंड करते हैं, हमारे निहार हैं, साउंड करते हैं,
चिरंतन बोल के बहुत बड़े बड़े फिल्मों की डीओपी रहे हैं, तो उड़िया फिल्म इंडस्ट्री, उड़िया उड़िया लोग काफी सारे फिल्म इंडस्ट्री में प्रेजेंस है बॉलीवुड में अभी। आपकी जर्नी पर आते हैं अनिल जी, फिल्म मेकिंग की शुरुआत कैसे हुई? क्या आप हमेशा से फिल्म मेकर बनना चाहते थे? इसके बारे में थोड़ा बताएं, अपने बचपन से लेकर बाद तक जब तक आप दिल्ली आए, और उसके बाद क्या सिलसिला रहा, संक्षेप जर्नी तो काफी लंबी रही, बट वो लंबी में अगर जर्नी बता को पाए। संक्षेप में ये बताऊंगा कि बचपन में जब पहली दफा टीवी आया गांव में, तो जी गांव के बीच में मेरे चाचा जी टीवी लगा के रख देते थे, तो पूरी गांव वहीं पे बैठता था। ठीक है, तो पूरी गांव बैठता था, कोई बच्चे का बच्चा दूध भी नहीं पिया है, बाप खाना भी नहीं खाया, कोई कहीं नहीं जीता था, लब लब वहीं पे लाइक फेविकल जैसे चिपके रहते थे, कोई हिलता नहीं था। उस समय पे शायद 7 साढ़े 7 बजे तक प्रोग्राम चलती थी दूरदर्शन की, तब तक बैठे रहते थे। तो एक बचपन से मेरी एक छोटी सी आदत थी कहानी बोलना और बड़े बड़े इंटरेस्टिंग बातें करना, क्योंकि हम जनरली हम जो ग्रो किए हैं दादा नानी फूफा की कहानी सुन के ही ग्रो किए हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो हर भारतीय एक कहानीकार है। तो जी मैंने देखा, तब हमको तरीका नहीं पता था, जब तक ग्रेजुएशन भी मैंने खत्म कर लिया, मतलब ग्रेजुएशन भी जब खत्म हुआ तब मेरे को पता नहीं था कि इसको बोलना कैसे, होती कैसे। तब मेरे को लगता था कि टीवी एक ऐसा एक मशीन है जिसमें ये ऐसे ही आता है, इसको इट्स नॉट बिल्ड बाय ह्यूमन बी। तो ओके जब दिल्ली आया तब एक हमारा उड़िया कैमरामैन यहाँ काम करते थे, तो तब पता चला कि ये कैमरा कैप्चर करता है और इसी से कहानी बनती है। तो मैं जाके सब कुछ छोड़ के, मैं सेल्स एंड मार्केटिंग पढ़ता था, वो छोड़ के सीधा उनको बोला कि मैं कैमरा उठाऊंगा, आई बिकम अ कैमरा अटेंडेंट। तो उससे 1-2 साल के अंदर मैं फट से कैमरा सीखा, कैमरा सीख के पहले कैमरा करने लगा, तो तब पता चला कि कहानी अपना आप ऐसे बोल सकते हो, तो इससे बड़ा दुनिया मेरे लिए और कुछ नहीं था। तो यू बिकम अ कहानी कोर एंड यू स्टार्ट टेलिंग स्टोरीज एंड देन द स्ट्रगल गोज ऑन, यू नो। आपकी फिल्म मेकिंग, अभी आपने थोड़ा सा बताया, फिल्म मेकिंग प्रोसेस जो अभी करंट टाइम में फ्रॉम आइडिया टू एग्जीक्यूशन कैसे चलता है सब कुछ, उसके बारे में भी अगर आप ब्रीफली हमारे दर्शकों को बताना चाहें। ठीक है, आइडिया जो होती है मेरे लिए, सबके लिए अलग अलग है, लोगों को स्क्रिप्ट है, जैसे मेरे कोई भी फिल्म मैं अपने खुद का लिखा हुआ कहानी से ही बनाता हूँ, और वो कहानी आती है जो सोसाइटी में होती है या जो चीजें मैं देखा हूं या जो चीजें भुगता, तो उसी समाज से जो कहानी आती है उसी कहानी को लेके मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले एक स्टोरी बनती है, स्टोरी के बाद फिर इसकी मेरे मेरे को स्क्रीन प्ले नहीं आता, तो मैं उसी के मिजाज का राइटर ढूंढते हैं, फिर उस स्क्रीन प्ले लिखते हैं कि विजुअली फिल्म को ऐसे दर्शा जाएगा। विजुअली जब दर्शा जाएगा, इट्स ऑडियो विजुअल, जब विजुअल की बात कहे आपने, फिर साउंड की बात कहेंगे, तो इंसान बोलेगा क्या, फिर डायलॉग की प्रोसेस आती है। जब स्क्रीन प्ले और डायलॉग हो जाती है, आपकी पूरी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद जिस हिसाब से, क्योंकि कहानी जहां से शुरू हुई थी, आप एक जगह की बात कहे हैं, एक व्यक्तित्व की बात कहे हैं, तो उसी मिजाज की आपको जगह ढूंढना होता है, वो हो गया लोकेशंस। उसी मिजाज की आपको, उसी कैरेक्टर को निभाने के लिए आपको एक्टर ढूंढना है जो आपने पहले से कहानी में सोचे थे। लोकेशन और एक्टर हो गया, उसके बाद टेक्निकल टीम, साउंड लाइट एटसेट्रा, ऑल दिस कम्स लेटर। लेकिन सिनेमा की डिफिकल्टी खत्म नहीं होती, हर स्टेज इज इंपोर्टेंट सिनेमा में, एक स्क्रिप्ट से लेके जगह ढूंढने से लेके एक्टर ढूंढने से लेके तब आती है प्रोडक्शन की बारी। प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन इटसेल्फ इज बिग, बिकॉज आप एक क्रू में 70 से 100 लोग हैं, सबकी अलग अलग डिमांडें हैं, सबकी अलग अलग तौर तरीका है, वो सब एक ही लेंस के अंदर आती है। तो जब एक लेंस के अंदर आएगी और शूट होके फिर आपको एडिटिंग टेबल पे आएगी, एडिट टेबल पे जब आएगी वहां पे एक डायलॉग का आप 110 ऑप्शन होगा, कभी 20 ऑप्शन होगा, मेरे एक शॉट था जिसकी 80 ऑप्शन थी, तो उसको फिर एडिटर के साथ डायरेक्टर को चुनना और फिल्म को काटना, दैट इज अनदर एक्सरसाइज। फिर ये बनने के बाद आपको पता चलता है कि मैंने बहुत खराब फिल्म बना दी भाई, इतने मेहनत के बाद कभी होता है कि मैंने कमाल की फिल्म बना दी। अब कमाल की फिल्म बना दी तो बढ़िया है, कमाल की फिल्म बनाने के बाद फिर इसको दिखाओगे कहाँ, बिकॉज आज की डेट पे इतने फिल्में आती है, इतने लोग, इतने कंटेंट है, अब इसकी
वैल्यू कैसे बनाओगे, लोगों को कैसे रीच आउट करोगे, फिर रीचिंग आउट का प्रोसेस शुरू होता है। आयम कलाम की बात करते हैं, जो आपकी वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स रही है और जिसने आपको तमाम एक्लर्ट्स भले इंटरनेशनल नेशनल तमाम पुरस्कार से भी नवाजे गए आप उसके लिए। उस कहा उस फिल्म की क्या जर्नी रही, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली आपको वो बनाने की, थोड़ा बताएं। जैसे मैंने कहा कि मेरे लाइफ में जो चीजें घटती है, जो चीजें देखा हूं, वही मेरी इंस्पिरेशन है। आई एम कलाम में मैंने एक चाइल्ड लेबर के ऊपर फिल्म शूट कर रहा था, जो जिसकी प्रोड्यूसर थे बारबरा ब्रोकली जी, जेम्स बॉन्ड की प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर थे रविंद्र मानव, अमेरिकन ये था। तो 2001-02 में मैं काफी ट्रैवल कर रहा था, तो करीबन कई कई देशों में मैं चाइल्ड लेबर की फिल्म शूट किया। उसमें से एक बच्चा जो ट्रेन में मेरे को मिला था, मैं ट्रेन में उस बच्चे के साथ करीबन 2-3 दिन जर्नी किया, तो वो बच्चा मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैंने बोला ऐसा एक बच्चे के ऊपर कहानी बनाऊंगा। और वो बच्चे का सिर्फ एक ही चीज थी, वो ट्रेन में जाता था, टॉयलेट में सोता था जब टिकट टीटी पैसे मांगने लगता था, और वो टॉयलेट में सो के, मैंने उसको जब भी पूछूं, इतना हंसता खिलता बच्चा, वो बोलता तो क्या बनेगा, बोला देखना एक दिन मैं प्रधानमंत्री नहीं तो प्रेसिडेंट बनूंगा इंडिया का। सपने देखना, एक बच्चा टॉयलेट के अंदर चाइल्ड लेबर सपने देख रहा है ऐसा, मैंने बोला ही डिमांड्स अ स्टोरी टू टेल टू द वर्ल्ड। जो एक एक इंटरव्यू में पढ़ा हमने कि आप कलाम साहब से आपकी इन पर्सन मुलाकात हुई थी, कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज जो आपके साथ अभी तक रह गई उस मुलाकात के दौरान की? कुछ वो कहते हैं ना, भगवान का एक ऑरा होता है, बट वो इंसानों में भी ऑरा रहता है। मैंने ऐसे कई इंसान देखा हूं, दैट इज कलाम साहब। सो व्हेन यू गेट क्लोजर टू दैट मैन हैज एन ऑरा, अमेजिंग ऑरा। एंड ही सेड ओनली वन लाइन टू मी। अभी तो आजकल थोड़ा सा जो मैंने कहा कि इनोसेंसी कम हो जाती है, बहुत प्रेजुडिस्ड हो जाते हैं, ही क्लियरली सेड आई लव योर स्माइल, सो कीप स्माइलिंग, दैट गिव्स लॉट ऑफ स्पिरिट, एंड आई डोंट फॉरगेट दैट वन लाइन। चर्चा थी कि आप कलाम साहब की बायोपिक भी बना रहे हैं, कुछ ऐसा है क्या? नहीं अभी तो नहीं, बट क्योंकि कलाम साहब की बायोपिक बनाना बहुत आसान बात नहीं है। आप इंसान, मतलब वो इंसान इतने बड़ा जो इंसान जिया है, तो उसके लिए आपको 2-3 साल संन्यास लेना पड़ेगा सब काम से, तभी बना पाएंगे। तो अभी तो कोई ऐसा थॉट नहीं है। 2017 में आपकी कड़वी हवा रिलीज हुई, जिसने किसानों की प्लाइट, वाटर स्कैसिटी, इन मुद्दों पर बात की। संजय मिश्रा जी ने इसमें मुख्य किरदार निभाया है, उनको चुनने की क्या कहानी रही इस फिल्म के लिए, वो कास्ट करने की क्या कहानी रही संजय मिश्रा जी को? बहुत ही सिंपल सा बात था जब ये कहानी बनी। और इनफैक्ट मेरे गांव में एक दादाजी थे जो ब्लाइंड थे, लेकिन वो पूरी गांव की खबर थी उनको। और वो सुबह रोज वो बार बार आती थी, आता था दो 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 गांव दूर से, और रोज सुबह उनकी सेविंग्स होती थी, कपड़े टनाटन पहनते थे, पता नहीं वेयर ही यूज टू फील कि मेरे कपड़े थोड़े से गंदा दिख रहा है क्या, बोलते थे, हमको पूछते थे जब हम बच्चे थे। संजय मिश्रा में तो संजय भाई में एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो हम रेयर सिनेमा में पहचाने हैं। एक अति जो कहते हैं कि रॉनेस एक कैरेक्टर देखते हैं, जिसको आप देखते ही आपकी आंखें नहीं हिलेगा। तो जब मैंने गया और पहली नरेशन दिया, और संजय भाई उठ के, पता नहीं उनको क्या हुआ, वो उठ के जाके चाय बना के वो ऐसे उठे कि लगा कि इस आदमी की आंख नहीं है, बट वो कॉन्फिडेंट है, वो दुनिया जानता है। आप इमेजिन कीजिए वो फिल्म क्या है, एक अंधा बूढ़ा आदमी हीरो है और सबसे गरीब तबके का आदमी है वो। तो मुझे वो जैसे खड़े हुए संजय भाई, मैंने बोला ये तो ये आदमी है। तो कास्टिंग कभी कभी ऐसे हो जाती है, हो गए थे सुनाने के लिए, होगा नहीं होगा पता नहीं था, बट ऐसे बातें करते करते पता चला उस दिन रात को 2-3 बजे तक बैठे हमने। तो ऐसे शुरू होती है कैरेक्टर। नील जी, आपने तमाम डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं, पूछना चाहते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्रीज अभी भी आपका पहला प्यार है? डॉक्यूमेंट्रीज डेफिनेटली पहला प्यार है, बिकॉज डॉक्यूमेंट्री ऐसे भी ज्यादा बनती नहीं है। डॉक्यूमेंट्रीज का एक अलग मिजाज है,
और डेफिनेटली मेरे सिनेमा के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बहुत हेल्प किया है, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट्री में बिना बड़े लाउड डायलॉग कैरेक्टर और हाई ड्रामा पे भी आपको एक इमोशनल फिल्म बनाना होता है, वो आसान नहीं है। आज भी डॉक्यूमेंट्री मेरे लिए इतना ही मुश्किल है, कहूं तो मैं डरता हूं अभी बनाने के लिए। तो जो उसका जो क्या फर्क महसूस करते हैं, फिल्में बनाते हैं डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, उनके अभी मेकिंग के बारे में तो आपने थोड़ा ब्रीफली बताया, इम्पैक्ट के बारे में कि कितना फर्क होता है एक फिल्म के इम्पैक्ट में, एक डॉक्यूमेंट्री के इम्पैक्ट में। देखिए डॉक्यूमेंट्री का अभी भी मुद्दा क्या है, इम्पैक्ट तो डॉक्यूमेंट्री में भी उतना ही है जितना सिनेमा में है, लेकिन हम भारतीय ऑडियंस के लिए अभी तक डॉक्यूमेंट्री इतना डिमांड में नहीं रहा जितना यूरोपियन या अमेरिकन ऑडियंस के लिए है या वेस्टर्न ऑडियंस के लिए है। तो धीरे धीरे बिकॉज ओटीटी प्लेटफॉर्म जब आए तो डिमांड डेफिनेटली अभी थोड़ा सा बेटर है, लोग देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्रीज। आपकी अपनी बनाई कोई फेवरेट डॉक्यूमेंट्री हो जो बेहद पसंद करते हो आप? मेरे इसी फिल्म के लिए जो पहला वाला मेरे फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री आई स्टिल रिमेम्बर इज माय बेस्ट डॉक्यूमेंट्री सो फार, जो मैंने 2001 में बनाया था, इज कॉल्ड होप अगेन। तो 99 में साइक्लोन हुआ, उसकी 2 साल के बाद मैंने ये फिल्म बनाई थी कि उस इलाके के लोग जहां पे 10,000 लोग मर गए थे साइक्लोन में, वो कैसे जिएंगे आगे, कि डू दे वॉन्ट टू लीव, हैव दे गॉड्स, डू दे हैव गॉड्स टू लीव, बिकॉज साइक्लोन फिर से आ सकती है। इसी मुद्दे पर बनाया था, छोटा सा डॉक्यूमेंट्री था 20-25 मिनट का, और वो आज भी मेरे लिए हार्ट टचिंग डॉक्यूमेंट्री। और आपकी डॉक्यूमेंट्रीज हमारे दर्शक कहाँ पर देख सकते हैं? कई सारे फिल्में यूट्यूब में हैं जी, क्लाइमेक्स फर्स्ट अर्पण है जो 2006 में बनाया था, डिस्कवरी में टेलीकास्ट हुआ था। आप जिस जॉनर या जिस तरह की फिल्में बनाते हैं उन्हें प्रोडक्शन से लेके उसका डिस्ट्रीब्यूशन से प्रमोशन तक क्या फाइनेंशियल चैलेंजेस आते हैं? देखिए हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं, हम तो कोई स्टूडियो पे डिपेंड नहीं करते, तो जैसे हमको जब बड़े बड़े गुरु के साथ फिल्म में काम करते थे वो कहते थे, जब फिल्म बनाना चाहते हो ना, चोरी करो, डाका डालो, बना लो, फिर देखा जाएगा जो होगा। तो इसी हिसाब से मेरे पहले फिल्म में भी मैंने स्माइल फाउंडेशन ने उसको प्रोड्यूस किया था, थोड़ा बहुत जब पैसे की जरूरत पड़ा फिर हमने घर बेचा, तो मेरे तीसरे फिल्म में फिर मैंने जो पैसे कमा के फार्म हाउस खरीदा था उसको बेचा। तो फिनेंशियल चैलेंजेस, तो देखिए एक फिल्म मेकर के लिए जर्नी कभी खत्म नहीं होती, स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होती, आपकी हर फिल्म फास्ट फिल्म बन जाती है, इतना ही स्ट्रगल रहती है जो आपकी पहला फिल्म के लिए स्ट्रगल थी। आगे आने वाले कालरात्रिता के सिवा हम आपके और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं और किन अलग अलग सब्जेक्ट्स पर वो प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं? मैं एक फिल्म प्रोड्यूस किया हूँ बिस्वा बोल के, एक ब्लाइंड बच्चे का कहानी है जो उड़ीसा में अगेन शूट किया हूँ, वो अभी रिलीज करूंगा 2-3 महीने में, और आगे एक वेब सीरीज के लिए काम चल रहा है, हो सकता है जुलाई अगस्त में शूट करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया नील जी कि आप दी लल्लन टॉप पर आए और हमारे दर्शकों से हमसे इतनी सारी बातें की, इतनी तमाम जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर आप फिल्में बना रहे हैं और काले राती था तो है ही जो देखने लायक है जिस तरह से हमने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। थैंक यू।